बेशर्मो, और लानत तुम पे बरसे अल्लाह की, अल्लाह ताला तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे कि तुमने उसको बाहर कर दिया जिसने इस कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। यही वजह है कि आपको पूरी दुनिया में थप्पड़ मारे जा रहे हैं, यही वजह है कि जो है वो इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आ रही और तुम्हें जलीलों की तरह इंडिया में जाके खेलना पड़ रहा है। पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का सहारा लेते हुए पाकिस्तान के क्रिकेटिंग लेजेंड को उस ट्रिब्यूट वीडियो से फारिग कर दिया। ये मुल्क जीरो, इतनी नफरत, इतना जुल्म, इतना बॉक्स आपके अंदर है कि 92 का वर्ल्ड कप का विनर आपने उसमें से निकाल दिया। खत्म गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा? इतनी बेगैरती, इतनी कमीनगी, इतने काला दिल, इतना काला दिमाग कि उसमें फिक्सर्स की तो तस्वीरें हैं, उसमें ये आम ज़का अशरफ का क्रिकेट से क्या तल्लक है? क्या बेचता ज़का अशरफ क्रिकेट में, या ये नजम सेठी क्या बेचते हैं, ये शकील शेख कौन है? ये वर्ल्ड कप के सीन्स चल रहे हैं, ट्रॉफियां प्लेयर उठा रहे हैं, इमरान खान जो कप्तान ये ऐसे ही है 83 के वर्ल्ड कप से कपिल देव को बाहर कर दे, ये ऐसे ही है कि जिस तरह गौतम गंभीर हर वक्त मैं करता है। आप उठाएं धोनी को 2011 के वर्ल्ड कप से, 2007 के वर्ल्ड कप T20 से, 2013 की चैंपियन ट्रॉफी से बाहर कर दे। क्रिकेट वर्ल्ड कप एक ही तो है जो आपने जीता है, वो बेगैरतो, ओ बेहयाओ, ओ बेशर्मो, ओ लानत तुम पे बरसे अल्लाह की, अल्लाह ताला तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे कि तुमने उसको बाहर कर दिया जिसने इस कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। यही नहीं, अभी और सुनिए, इमरान खान अगर माइनस हो गया वर्ल्ड कप से, पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री से, पीछे बचा दमपख, डबा गोल, ये मुल्क जीरो, इतनी नफरत, इतना जुल्म, जुल्म तो जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है। मुझे सिर्फ ये बताएं, इतनी कम अकली, इतना बॉक्स, इतना बॉक्स आपके अंदर है कि 92 का वर्ल्ड कप का विनर आपने उसमें से निकाल दिया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जिस बंदे ने आपको वर्ल्ड कप जितवाया हुआ, वर्ल्ड कप का जो हीरो है, वो जो है वो उस वीडियो में ही नहीं है। आपने उसको रिमूव कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री से। जब भी पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री लिखी जाएगी, पढ़ी जाएगी, सबसे पहला नाम इमरान खान का आना चाहिए, क्योंकि उस बंदे ने आपको वर्ल्ड कप जितवाया था और उसका नाम आपने रिमूव कर दिया सिर्फ इसलिए कि आपके जो आका हैं, आपके जो बेगैरत जलील आका हैं, उनकी इजाजत नहीं है। और शर्म का मुकाम है तुम्हारे लिए, जलीलो बेगैरतो, डूब के मर जाओ तुम, पूरी दुनिया में तुम्हारा मजाक बन रहा है। यही वजह है कि आपको पूरी दुनिया में थप्पड़ मारे जा रहे हैं, यही वजह है कि जो है वो इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आ रही और तुम्हें जलीलों की तरह इंडिया में जाके खेलना पड़ रहा है। यही वजह है कि वो कह रहे हैं बार बार कि तुम्हें कोई जो है वो स्पेशल जो है ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, जो दाल सारे खाएंगे तुम भी वही खाओगे। सही पकड़े हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस मुंह से दूसरों को बोलता है कि तुम लोग पॉलिटिक्स खेलते हो? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस मुंह से बीसीसीआई या जेशा को बोलता है कि तुम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर चलते हो, तुम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को इंक्लूड करते हो क्रिकेट के डिसीजंस में, जबकि आपने भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को कल इंक्लूड कर दिया। जो लेसन पढ़ाया जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से दुनिया को कि नहीं जी, वी विल नॉट इंक्लूड पॉलिटिक्स इन स्पोर्ट्स, नहीं जी, वो देखिए जेशा वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को इंक्लूड करता है, आप भी वही काम करते हैं। और अगर नहीं भी करते थे पहले, तो एटलीस्ट पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का सहारा लेते हुए पाकिस्तान के क्रिकेटिंग लेजेंड को उस ट्रिब्यूट वीडियो से फारिग कर दिया जिसकी जिसकी बहुत एफर्ट्स हैं, जिसकी बहुत कारनामे हैं।